आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल का मोशन बोला गया है कि इज इन अ स्ट्रेट लाइन और उसका डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो इस इक्वेशन से हमें गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पहले। तो ये क्या बनता है, 3 × 3t² + 7 × 2t + 14, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं, 9t² + 14t + 14। अब क्या करते हैं, इसको एक और बार ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 9 × 2t + 14 मतलब 18t + 14। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो हमने पहले लिखा था। तो हमें क्या निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में क्या प्लग इन करेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, दैट इज 18 × 1 + 14, और इसके यूनिट क्या बनेगा, यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज 18 + 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दिस इज 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।